अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। आखिर अनुष्का क्यों छोड़ रही हैं फिल्म मेकिंग का काम? कौन करेगा फिल्म में एक्टर्स का मेकअप? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस और फिल्म मेकर अनुष्का शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म से दूर हो रही हैं। यानी वो उस प्रोडक्शन हाउस में अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। इस प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने भाई कर्णेश गुप्ता के साथ मिलकर स्थापित किया था। अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, जब मैंने क्लीन स्लेट फिल्म्स अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ शुरू किया था, तब प्रोडक्शन फील्ड में हम नौ सिखिए थे, लेकिन हम क्लटर ब्रेकिंग कंटेंट के जरिए भारत में एंटरटेनमेंट एजेंडा सेट करना चाहते थे। और अब जब हम दोनों अपनी इस जर्नी को देखते हैं तो मुझे गर्व होता है उस काम पर जो हमने क्रिएट किया है। हालांकि क्लीन स्लेट फिल्म्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेकर मेरे विजन के साथ शुरू किया गया था, मुझे अब अपने भाई कर्णेश को क्लीन स्लेट फिल्म्स को शेप देने के लिए, उसे वो बनाने के लिए जो वो आज है, उसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। इसके साथ ही अनुष्का ने इस प्रोडक्शन हाउस से अलग होने का कारण बताते हुए कहा कि मुझे अपनी जिंदगी पूरी तरह से नए सिरे से बैलेंस करनी है। मैंने अपने करियर के लिए एक बार फिर एक्टिंग प्रोफेशन चुना है। मैंने फैसला किया है कि जो भी समय मेरे पास है वो मैं अपने पहले प्यार एक्टिंग को दूंगी, और इसीलिए मैंने क्लीन स्लेट फिल्म से अलग होने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अनुष्का ने अपने भाई और उनके प्रोडक्शन हाउस को उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। क्लीन स्लेट फिल्म्स ने बहुत कम समय में NH10, परी, फिलौरी, बुलबुल और पाताल लोक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। अनुष्का का एक्टिंग की तरफ बढ़ता प्यार भी इस बात का संकेत है कि वो जल्दी ही सलमान खान के साथ उनकी फिल्म सुल्तान 2 में लीड रोल में काम करती हुई नजर आएंगी। वैसे तो इस फिल्म में एक्टर्स को कुछ खास मेकअप की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ नॉर्मल और नो मेकअप वाला लुक देने के लिए मेकर्स ने दो आर्टिस्ट को हायर किया है, और वो आर्टिस्ट हैं महेश पवार और रेणुका पिल्लई। ये दोनों मेकअप आर्टिस्ट फिल्म में एक्टर्स के मेकअप की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही फिल्म की हीरोइन अनुष्का अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट साथ ही लाएंगी। सलमान और अनुष्का स्टारिंग ये फिल्म अगले साल तक रिलीज की जा सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें, एंड बॉलीग्राड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।